नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो रजौरी से सामने आ रही है, आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि रजौरी में जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और कुछ मिलिटेंट्स के बीच जो है गन फाइट जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या है पूरी जानकारी, ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सीनियर साथी जमशेद, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जमशेद, आपसे ही जानना चाहूंगी इस एनकाउंटर के हवाले से क्या अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। जिसलिन, देर रात को राजौरी के थाना मंडी दोरीमाल इलाका, ये दूर दराज इलाका है, थाना मंडी से शाहदरा शरीफ की तरफ पड़ने वाला दूर दराज जंगल का इलाका है, जहाँ देर रात को एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था और सर्च ऑपरेशन सुबह इनकाउंटर में तब्दील हुआ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट को वहां मार गिराया गया और इनकाउंटर अभी भी इस इलाके में चल रहा है। क्योंकि इसकी बात करें, इसी इलाके में पिछले 2 महीने में तीसरा बड़ा इनकाउंटर होगा जहां इस वक्त मिलिटेंट और फौज के दरमियान गोलियों का तबादला हो रहा है। जिसलिए बिल्कुल जमशेद, अगर बात करें जिस तरह आपने बताया कि एक मिलिटेंट को जो है मार गिराया गया, तो क्या आशंका जताई जा रही है कि और भी वहां पर मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं? जिसलिन, जो हमारे सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं, 2 से 3 मिलिटेंटों का ये ग्रुप है, जिसमें से एक को मार गिराया गया और बाकी मिलिटेंट भी वहीं पे मौजूद है। क्योंकि नई नई इन्फॉर्मेशन का बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस इलाके की बात करें तो यहाँ बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाए गए और सर्च ऑपरेशन के बाद आज इसी इलाके में पिछले 2 महीने में तीसरा इनकाउंटर होगा जसलिन थाना मंडी में, जिसमें इस वक्त खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। बिल्कुल, और जमशेद अगर उस इलाके की बात करें तो वो क्या रिहायशी इलाका है या जंगल वाला इलाका है, किस तरह के इलाका है जहाँ पर इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है? जिसलिए जंगल का इलाका है, राजौरी के थाना मंडी से शाहदरा शरीफ से बहुत पीछे जंगल पड़ता है, जंगल के बीच में इस वक्त इनकाउंटर हो रहा है। क्योंकि इसकी बैक साइड से मंजाकोट का इलाका लगता है और वहां से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था और यहाँ पे आके इनकाउंटर में दूरी मार, ये जंगल का इलाका है, काफी दूर इलाका पड़ता है जहाँ इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे सीनियर साथी जमशेद मलिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थे और जिस तरह से उन्होंने पूरी जानकारी दी है एनकाउंटर के हवाले से, इस वक्त अगर थाना मंडी इलाके के ब्रोड कुछ विलेज की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त जो है सुरक्षा बलों और मिलिटेंट के बीच एनकाउंटर जो है, गनफाइट जो है वो शुरू हो चुका है। और फिलहाल जो ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है जो हमारे सोर्सेज के हवाले से, कि एक मिलिटेंट को जो है इस एनकाउंटर के दौरान जो है मार भी गिराया गया है। हालाँकि कुछ और आतंकियों की वहाँ पर आशंका है और फिलहाल अभी भी लगातार अगर बात करें तो दोनों तरफ से फायरिंग जो है अभी भी लगातार जारी है। पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि कल रात से ही जो है एक जॉइंट टीम, पुलिस की बात करें और आर्मी की बात करें, तो दोनों ने मिलकर जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया था, जिसके बाद स्पेसिफिक इनपुट्स मिले गए थे और कुछ मिलिटेंट्स की जो है मौजूदगी बताई गई थी। अगर उस इलाके में बात करें तो आज सुबह से अगर बात करें तो उस इलाके में जो है गन फाइट शुरू हो गई और फिलहाल बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट को जो है इस एनकाउंटर के दौरान जो है मार गिराया गया। पर हालांकि अभी भी और आतंकियों की आशंका है और फिलहाल अभी भी लगातार दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो भी लगातार अभी जारी है। और जिस तरह से जमशेद ने यह भी बताया कि उस इलाके की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जंगल वाला वो इलाका जो है बताया जा रहा है। और अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि तीसरा इस तरह का वाक्य होगा कि अगर इस इलाके में बात करें तो इस तरह का एनकाउंटर जो है उस इलाके में हुआ है। तो तमाम जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट एनकाउंटर के हवाले से जो बताई जा रही है कि रजौरी की बात करें, थाना मंडी के बरूट गांव की उस तरफ बात करें तो वहां पर जंगलों के बीचों बीच जो काफ़ी ज़्यादा जंगल वाला इलाका बताया जा रहा है, वहां पर फिलहाल जो है मिलिटेंट्स और आर्मी फोर्सेस के बीच जो है फायरिंग दोनों तरफ से शुरू हो चुकी है और इसी दौरान एक मिलिटेंट को मार गिराया भी गया है और कुछ और आतंकियों की भी आशंका है, जिसके बाद अभी भी लगातार जो है वहाँ पर फायरिंग का सिलसिला जो है दोनों तरफ से लगातार जारी है। क्या अपडेट जो है इस एनकाउंटर के हवाले से सामने आएगा, ज़रूर जेके न्यूज़ पॉइंट आप तक पहुँचाएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट पर बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।